आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड पर आधारित कुछ उदाहरण देखे। आज इस वीडियो में हम इस पर आधारित कुछ मजेदार उदाहरणों को देखेंगे। थॉमस, तुम्हारे सारे जूते इस तरह बिखेर क्यों रखे हैं? हाँ मानस, मैं भी काफी दिनों से सोच रहा था कि इन्हें रखने के लिए गत्ते के डिब्बे बना लूं। चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। मानस, हम दोनों बिल्कुल समान विमाओं के डिब्बे बनाएंगे। डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 35 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर होने चाहिए। दोनों दोस्तों ने मिलकर समान घनाभाकार डिब्बे बना लिए। मानस, हम दोनों ने समान डिब्बे तो बना लिए, लेकिन मेरा डिब्बा इस तरह ऊपर से खुलता है और तुम्हारा डिब्बा दाईं तरफ से खुलता है, तो क्या हम दोनों ने समान गत्ते का इस्तेमाल किया है? इसका उत्तर तो हमें केवल गणित के द्वारा ही मिल सकता है। इसका मतलब ये गणित का समय है। तुम्हारा डिब्बा इस तरह दाईं तरफ से खुलता है, इसलिए तुम्हारी घनाभाकार डिब्बे में ये दाहिनी सतह मौजूद नहीं है। इसका मतलब डिब्बा बनाने के लिए इस्तेमाल हुए गत्ते का अनुमान लगाने के लिए तुम्हें इन सतहों के क्षेत्रफलों का योग ढूंढना होगा। लेकिन इन सतहों के क्षेत्रफलों का योग तो मैं इस डब्बे के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया में से इस दाहिनी सतह के क्षेत्रफल को घटाकर भी ज्ञात कर सकता हूँ। चलो मैं सूत्र पुस्तिका में लिखे घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया के सूत्र को यहाँ लिख लूँ, और दाहिनी सतह का क्षेत्रफल तो डिब्बे की ऊंचाई गुणा चौड़ाई के बराबर है। चलो मैं यहाँ बी गुणा एच लिख कर इसे दर्शा लूं। अब बस मुझे यहाँ एल, बी और एच की जगहों पर क्रमशः मेरे डिब्बे की लंबाई 35 सेंटीमीटर, चौड़ाई 25 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर लिखकर इसे हल करना होगा। मैं इसे जल्दी से हल कर लेता हूँ। अच्छा, मेरे डिब्बे में 2890 वर्ग सेंटीमीटर गत्ते का इस्तेमाल हुआ है। आइए देखें कप्तान थॉमस ने अपने डिब्बे में इस्तेमाल हुए गत्ते का अनुमान कैसे लगाया। मेरा डिब्बा इस तरह ऊपर से खुलता है, इसलिए मेरे डिब्बे में ये शीर्ष की सतह मौजूद नहीं है। डिब्बे में इस्तेमाल हुए गत्ते का अनुमान लगाने के लिए मुझे इन बची हुई सतहों के क्षेत्रफलों का योग करना होगा। ये खड़ी सतहें तो इस घनाभाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल प्रदान करती हैं। इसका मतलब मैं इस योग को इस तरह से डिब्बे के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में उसके तल के क्षेत्रफल को जोड़कर भी ढूंढ सकता हूँ। सूत्र पुस्तिका में घनाभ के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का ये सूत्र लिखा है। चलो मैं इसे यहाँ लिख लूं, और मुझे मालूम है कि डिब्बे के तल का क्षेत्रफल उसकी लंबाई गुणा चौड़ाई के बराबर है, इसलिए मैं यहाँ तल के क्षेत्रफल की जगह एल गुणा बी लिख लेता हूँ। दोस्तों, यदि थॉमस के डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 35 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हैं, तो क्या आप थॉमस के डिब्बे में इस्तेमाल हुए गत्ते का अनुमान लगा सकते हैं? स्वयं प्रयास करने के लिए वीडियो को रोकें और फिर अपने उत्तर का मिलान करें। मैं इस तरह से अपने डिब्बे में इस्तेमाल हुए गत्ते का अनुमान लगा सकता हूँ। मेरे डिब्बे में 1740 वर्ग सेंटीमीटर गत्ते का इस्तेमाल हुआ है। मानस, तुम्हारा डिब्बा बनाने के लिए 2890 वर्ग सेंटीमीटर गत्ते का इस्तेमाल हुआ है, और मेरे डिब्बे के लिए 1740 वर्ग सेंटीमीटर गत्ते का इस्तेमाल हुआ है। देखो मानस,
हम दोनों के डिब्बे बिल्कुल समान विमा के हैं, लेकिन हमारे डिब्बों के अलग अलग तरह से खुलने की वजह से हमारे डिब्बों को बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहे गत्ते की माप अलग अलग है। तुम समझ गए थॉमस। अब चलो जल्दी से हम अपनी दुनिया में लौटकर तुम्हारी माँ के लौटने से पहले और डिब्बे बनाकर तुम्हारे जूतों को उनमें रख दे। दोनों बच्चों ने मिलकर और भी डिब्बे बनाकर थॉमस के बिखरे हुए जूतों को उनमें समेट कर रख दिया। दोस्तों, इस वीडियो में हमने घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड पर आधारित एक और मजेदार उदाहरण को देखा। तो उम्मीद है कि अब आपको घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड की अच्छी समझ हो गई होगी।